हेलो फ्रेंड्स, मैं शैली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड समोसा। ब्रेड समोसा घर पर बनाना बहुत ही आसान है और यह मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। यह खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी होते हैं। आप इस मिनटों में बनने वाली ब्रेड समोसा रेसिपी को घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें। यह आप सबको और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को बनाना। ब्रेड समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड स्लाइस, ये मैंने वाइट वाली ब्रेड ली है, 2 बड़े चम्मच मैदा और 3 से 4 बड़े चम्मच पानी, ये हमें समोसा बनाने के लिए चाहिए। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के उबले और मैश किए आलू, 1/4 कप हरे मटर के दाने, ये मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल मटर भी ले सकते हैं, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 3 से 4 बारीक कटे काजू, ये ऑप्शनल है, और समोसे तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम समोसे में भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए गैस ऑन करके एक पैन लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर मीडियम फ्लेम पर गरम करें। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें जीरा डालकर हल्का सा भुनें। जीरा भुनते ही इसमें कद्दूकस किया अदरक, कटी हरी मिर्च और मटर के दाने डालकर मिक्स करें और 1 मिनट तक पकने दें। अब इसमें मैश किए आलू डालकर मिक्स करें, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, बारीक कटे काजू और कटा हरा धनिया डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पकाएं और गैस बंद कर दें। समोसे में भरने के लिए मसाला बनकर तैयार है। अब इसे एक अलग बाउल में निकाल लें ताकि मसाला जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक मसाला ठंडा होता है, हम ब्रेड को बंद करने के लिए मैदे का घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल बनाकर तैयार करें। हमने इस तरह का पतला घोल बनाकर तैयार करना है। घोल बनकर तैयार है। अब हम ब्रेड के समोसे बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए एक ब्रेड स्लाइस लें और ब्रेड के चारों किनारे चाकू की मदद से इस तरह से काट दें। एक एक करके सभी ब्रेड स्लाइस के किनारे काट दें। हमने ब्रेड के किनारे काटकर तैयार कर लिए हैं। अब हम ब्रेड को बेलन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। हमने चारों तरफ से बेलकर इस तरह से पतली शीट तैयार करनी है। आप देख सकते हैं, हमने इस तरह से ब्रेड को पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब ब्रेड को इस तरह से 2 तिकोने टुकड़ों में काट लें। ब्रेड को हमने इस तरह से काट लिया है। अब हम ब्रेड का एक हिस्सा लेंगे और इसका इस तरह से कोन बनाकर तैयार करेंगे। तो अब हम ब्रेड के आधे हिस्से पर इस तरह से मैदे का घोल लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमने काटी हुई ब्रेड के आधे हिस्से पर ही घोल लगाना है। फिर इस तरह से दूसरे हिस्से को चिपका दें और हाथ से इस तरह से पकड़कर आगे और पीछे से दबाकर अच्छे से चिपकाएं। हमने इस तरह का कोन बनाकर तैयार करना है। अब हम इस कोन में आलू की स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग को इस तरह से कोन में आधी ही डालें, नहीं तो समोसा ऊपर से बंद नहीं होगा। स्टफिंग भरने के बाद ऊपर के दोनों किनारों को भी मैदे के घोल की सहायता से इस तरह अच्छे से दबाते हुए चिपका दें। आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह का समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह से एक एक करके सारे समोसे तैयार कर लें। मैंने सारे समोसे स्टफिंग भरकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें तलेंगे, तो इसके लिए गैस ऑन करके तेल को गरम करें। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर हल्का गरम करना है।
तेल को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। तेल हल्का गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके समोसे को तेल में डालकर तलेंगे। समोसे को पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। समोसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। सारे समोसे को इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। हमने सभी समोसे तलकर तैयार कर लिए हैं। हमारे गर्मा गर्म स्वादिष्ट और कुरकुरे समोसे बनकर तैयार हैं। समोसे को हरे धनिए की चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व करें। आप इसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई करें और बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी, शाम को स्नैक्स के तौर पर, या फिर कभी भी आपका समोसे खाने का मन हो तो इसे बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।